के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों को मारने वाला मुख्य आरोपी 5 लाख का इनामी विकास दुबे शुक्रवार को एनकाउंटर में मारा गया। यूपीएसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर जैसे ही कानपुर पहुंची, गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों की पिस्टल विकास ने छीनने शुरू कर दिया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, गाड़ी पलट गई। पलटते ही विकास पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगा। बचाव में पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलाई। मुठभेड़ में विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे के निधन के बाद पूरे सोशल मीडिया पर उसके परिवार से जुड़ी हुई कई तरह की खबरें वायरल हुई हैं। उसकी संपत्ति से लेकर विकास दुबे किससे मिलता था, कहां जाता था, शासन से प्रशासन तक के लोगों के साथ उसके संबंध कैसे थे, इससे जुड़े हुए कई तरह के किस्से सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको विकास दुबे के बेटे के बारे में बताएंगे। विकास दुबे के दो बेटे हैं। फिलहाल 12 साल का विकास का छोटा बेटा चर्चा बटोर रहा है, क्योंकि इस छोटे बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये छोटा बेटा जब अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा, विकास दुबे के अंतिम संस्कार के वीडियो के दौरान एक वीडियो ऐसा सामने आया है जहां विकास का छोटा बेटा अपने पिता के पैर छूता है, पिता के अंतिम दर्शन करता है, रोता है और कहता है, पापा ये सब क्या हो गया। विकास दुबे की पत्नी भी रोती रही बेटे को गले लगाकर। यहां विकास दुबे का छोटा बेटा 12 साल का जो पढ़ाई करता है स्कूल में, पहले खबर आई थी कि ये 12 साल का बच्चा नहीं बल्कि 12वीं कक्षा का बच्चा है। बाद में विकास दुबे के छोटे बेटे की जो तस्वीरें सामने आई उससे मालूम पड़ता है कि वो 12 साल का बेटा है। कानपुर के भैरव घाट स्थित विद्युत शवदाह में विकास दुबे का अंतिम संस्कार हुआ, जहां विकास दुबे का छोटा बेटा मौजूद रहा। यहां विकास दुबे के बेटे से मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने पिता के पैर छूकर रोते हुए बोला, पापा ये क्या हो गया। पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर से एक दिन पहले उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। विकास दुबे की पत्नी और बेटे को पुलिस उठाकर लेकर गई थी, पूछताछ हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पुलिस ने 12 साल के बच्चे से भी सवाल किए। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया पूछताछ सिर्फ विकास दुबे की पत्नी ऋचा से हुई है। SPN 9 न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।